नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच को लेकर फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि सिडनी टेस्ट मैच भारत का आखिरी मैच इस दौरे पर हो सकता है। सिडनी टेस्ट मैच के बाद टीम इंडिया अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस देश लौट सकती है। बीसीसीआई हालांकि अपने खिलाड़ियों को पूरा समर्थन दे रहा है और कड़े क्वारंटीन के पक्ष में फिलहाल टीम इंडिया और बीसीसीआई नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बीसीसीआई ने एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने मांग रखी थी कि नियमों में ढील दी जाए, पर फिलहाल कुछ रिस्पॉन्स उधर से आया नहीं है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया टीम के मुख्य क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ ने चौथा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में ही खेलने की इच्छा जताई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ये इच्छा प्रकट की। स्मिथ ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है हमारे लिए कुछ नहीं बदला है, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हम खिलाड़ी हैं और जहां बोला जाएगा वहां खेलेंगे, लेकिन ये तय है कि हम गाबा पर खेलना चाहते हैं। आपको बता दें, बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मांग रख दी है कि अगर ब्रिस्बेन में भारतीय खिलाड़ियों को सख्त क्वारंटीन में रखा गया तो फिर टीम इंडिया वहां पर ट्रैवल नहीं करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में होने वाले चौथे टेस्ट मैच के भाग्य पर अटकलें जारी है। इस बीच क्वींसलैंड के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया था कि दोनों टीमों द्वारा सख्त क्वारंटीन नियमों का पालन किया जाएगा। उधर ब्रिस्बेन में कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। नया मामला सामने आने के बाद क्वींसलैंड सरकार ने 72 घंटों का लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। इतना ही नहीं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार सुरक्षा नियमों में भी सख्ती लागू कर सकती है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।